अरिहंत की रसोई अपने सभी व्यूअर्स को बता दे कि अरिहंत की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। अरिहंत की रसोई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, अरिहंत की रसोई के वीडियोस को लाइक करिए। अरिहंत की रसोई आज आपके लिए बना रही है शिकंजी और शिकंजी आइस बाइट विथ माय पर्सनल टच। आइए दिखाते हैं, ये देखिए शिकंजी बनाने के लिए मैंने ये 2 चम्मच चीनी ली है। इसको पानी में अच्छी तरीके से घोल लेंगे हम चीनी को। ये थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं जिन्हें कूट लिए हैं मैंने, आप चाहे तो इन्हें पीस भी सकते हैं। ये मैंने इन्हें कूट लिए हैं। इसमें पानी में पहले हम ऐड कर देंगे चीनी के तुरंत बाद ही, जिससे इसका फ्लेवर हमारे पानी में जब तक हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स डालें अच्छे से आ जाए। अब इसमें हम ये डालेंगे 2 चुटकी काला नमक, दो चुटकी भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये चीनी हमारी घुल रही है अच्छी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम इसमें 1/2 लेमन का जूस, 1/2 लेमन के लिए बहुत ही एक हेल्दी ड्रिंक है, इसको अपने रोज़ की डाइट में ज़रूर हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए इन समर्स। ये हमें लू लगने से भी बचाती हैं, ऐसी चीज़ें पेट से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हम इसमें बिल्कुल ठंडा फ्रिज का पानी डालेंगे, ये ऐड कर रहे हैं बिल्कुल ठंडा पानी। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई इसमें। अब हम इसको छान लेंगे एक छन्नी से, इस तरह से इसे पीना मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए। ये देखिए ये हमें डिहाइड्रेशन में बहुत ही फ़ायदा करती है, शरीर में पानी की कमी को पूरा करती है, दूर करती है। अब हम इसको एक अच्छे से गिलास में सर्व करते हैं। इसमें हम गिलास में ये बर्फ़ डालते हैं और इसको और ठंडा करने के लिए ढेर सारी बर्फ़। ये मैंने गिलास को एक नींबू की स्लाइस से गार्निश कर रखा है, ये फ्रेश मिंट लीव्स। ये देखिए कितना सुंदर और बहुत ही हेल्दी, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी नींबू की शिकंजी तैयार है। इन समर्स में आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आइए हम अपनी अगली रेसिपी आपको बताते हैं। ये देखिए ये मेरे पास आइस ट्रे है और ये इतनी शिकंजी है बची हुई। अब हम इस शिकंजी को क्या करेंगे, शिकंजी आइस कैंडी बना देते हैं हम इसकी। ये हम आइस ट्रे में बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस शिकंजी को डाल देंगे। आप सभी के पास आइस ट्रे होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये बनाने में। ये बच्चे और बड़े सभी के लिए बहुत ही हेल्दी है शिकंजी आइस कैंडी। ये देखिए ये सभी होल हमारे लगभग फिल हो गए हैं। अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 1.5 से 2 घंटे के बाद हम इसे निकाल करके चेक करेंगे, अगर इसमें ये टूथपिक, ये देखिए ये टूथपिक, अगर ये टिक जाता है तो हम उसमें टिका करके इसे वापस से फ्रीज़र में रख देंगे अच्छी तरीके से सेट होने के लिए। अभी देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, गिर जाएगा। अब जल्दी ही मैं इसको लेकर के आपसे फिर मिलूँगी जब ये जम जाती है। ये 6 से 8 घंटे के बीच ये हमारी शिकंजी कैंडी, ये देखिए कितनी अच्छी
ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। अगर आपसे ये इतनी आसानी से ना निकले तो आप इसको किसी थाली में थोड़ा सा पानी रख के उसमें एक मिनट के लिए रख दीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी शिकंजी कैंडी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी के साथ बनाई जाने वाली, बच्चों और बड़ों सभी के लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए कैसे उठ, ये देखिए कितनी अच्छी शिकंजी कैंडी। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हेल्थ इज़ हैप्पीनेस। नमस्कार।